IVM. Make do without her, they said. I paid no heed. Because she's the only one. Leaves me more intoxicated than weed. I travel 1,000 miles for her. I'll admit that without any qualms. Just to get a whiff of her in full glory and caress her legs with my palms. I want her in my bedroom, my kitchen, and my car. Heck, I want her with the shivers in my neighborhood bar. When my lips touch her breast, gives me the chills. She's not good for my heart, they say. Getting too attached to her kills. A sight of her in orange leaves me hungry and smitten. She's spicy, yet tender. Oh, my butter chicken. एक मिनट सर, ये जो आपने इतना ज्ञान दिया है, ये गलत पॉडकास्ट में आप आ गए हैं सर। ये बटर चिकन के बारे में था या कुछ और था ये? कंफर्म करें थोड़ा सा आप पहले। This is actually about butter chicken. This is about this is a poem I wrote when I was in Mumbai, missing Delhi ka butter chicken, especially from this place called Moti Mahal Daryaganj, a place which we will talk about a lot in this podcast. तो अगर इतने खतरनाक इमोशनल प्यार भरे पोएम के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पता नहीं क्या समझ में आएगा. खैर, द पॉइंट बीइंग, हम आज बात करने वाले हैं द आइकॉनिक बटर चिकन. ये जल्दी करना. फैंटास्टिक. सो इन द फर्स्ट पार्ट टुडे वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ बटर चिकन एंड हाउ इंडियन पाकिस्तान पार्टीशन हैड अ रोल टू प्ले इन इट. And then second part, we will discuss about why butter chicken has become a cult classic in modern India and why Nehru, Nehru was India's first influencer marketeer. Instagram से पहले ये नेहरू साहब जो थे वो influencer थे butter chicken के. And finally, we'll be ending the discussion with our overrated, underrated and favorite butter chicken versions. And Sadaf will eventually leave us with some cooking tips. So Sadaf, शुरू करें. पहले बिल्कुल शुरू करते हैं. हमारी पिक्चर के हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाए. तड़ा, पिक्चर के हीरो चिकन तो लेडीज होती है, हीरोइन हो गई. चिकन तो लेडीज हो गई ना, हमारी हीरोइनी. खैर, तो देखो ऐसा है ना कि बटर चिकन के बारे में तो मतलब जितनी भी बातें की जाए वो कम है. और दूसरा कि बटर चिकन को इंट्रोड्यूस करना मतलब ऐसे पागलों वाली बात है कि अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं और बटर चिकन के बारे में किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ भाई बटर चिकन क्या. अच्छा, ये बटर चिकन जो है वो वाला बटर चिकन नहीं है जो दिल्ली में मिलता है, दरियागंज में, वहां ये ओरिजिनेट हुआ था. नॉट द अदर वन जो कि चांदनी चौक के पास मिलता है, विच इज पॉपुलर एज असलम बटर चिकन, जिसमें एसेंशियली क्या करते हैं कि चिकन को तंदूर करते हैं एंड उसके ऊपर लिटरली बटर डालते हैं, ढेर सारा भर भर के बटर, थोड़ा दही, चाट मसाला डाल के, क्रीम व्रीम डाल के आपको दे देते हैं. दैट बिकम्स असलम्स बटर चिकन. तो हम उस बटर चिकन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं, ड्रम रोल प्लीज, द ओजी ओरिजिनल बटर चिकन जो कि इजाद हुआ था हमारे दिल्ली में दरियागंज में. तो ये हम इसके बारे में बात करेंगे जिसके बारे में भाई साहब अर्चित जी ने इतने लंबे चौड़े पोएम भी पढ़ दिए. तो अच्छा, इंटरेस्टिंग है अचित, बटर चिकन पे ना काफी सारे कंट्रोवर्शियल कहानियां भी हैं. ऑफ कोर्स हम उसमें बात तो करेंगे, लेकिन आई थिंक मतलब कंट्रोवर्सी है तो है, लेकिन खाना तो मतलब काफी लजीज है, लज्जतदार है. थोड़ी उर्दू गड़बड़ हो गई है. ये तो प्री पार्टीशन इंडिया की बात करते हैं. जैसा कि यू हैव मेंशन, एक रेस्टोरेंट हुआ करता था मोती महल में, नाम से पेशावर में, जो कि अमेजिंग डिशेस बनाता था और तंदूरी चिकन के लिए काफी नाम जो उसका पेशावर भर में था जाना जाता था बेसिकली. तो अब रेस्टोरेंट चल रहा है, लोग आ रहे हैं इसके लिए, तंदूरी चिकन के लिए. उसके साथ में ना उनके तंदूर में वो कुछ मतलब ब्रेड भी लगाते, ब्रेड लाइक नान कुलचा वगैरह भी अपने उसी तंदूर में लगाते थे. अब चिकन उसमें बन रहा है तो गरम गरम चिकन निकल रहा है, साथ में गरम गरम बिल्कुल नान निकल गया और मस्त मजे से खा रहे. एंड नाउ दैट बिकॉज ऑफ दैट तंदूर और तनूर जिसको बोलते हैं, दैट गिव्स रियली नाइस स्मोकी फ्लेवर टू योर चिकन. तो बिल्कुल ऐसे हिट हो गया बिल्कुल वहां पे पेशावर. लेकिन वक्त बदला और 1947 हैपेंड और पार्टीशन हुआ. तो उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आई और वो मोती महल जो था वहां से नहीं रहा, ठीक है, वो उजड़ गया बेसिकली, समझ लो कि वहां से उजड़ गया. और तीन जो उसके कारीगर थे, तीन लोग जो उस मोती महल ने एम्प्लॉय किए थे पेशावर वाले ने,
अच्छा वो जो मोती महल था ना ओरिजिनल वाला पिशावर वाला, दैट वाज ओन्ड बाय समबडी कॉल्ड मोखा सिंह, ठीक है। तो खैर, तो अब हो गई ये सब पार्टीशन हो गया। इनके तीन जो अनमोल रतन थे ये कुंदन लाल जग्गी, कुंदन लाल गुजराल और ठाकुर दास मगो, ये तीनों भी हिंदुस्तान आ चुके थे तब तक। और फिर जो ये अब जो दरियागंज का नाम से हुआ, फिर जो बटर चिकन हुआ, तो काफी हद तक जो है अक्नॉलेजमेंट या क्रेडिट इनको जाता है। खैर, तो अब इनमें से कुंदनलाल गुजराल और कुंदनलाल जग्गी कंट्रोवर्सी इसमें है। ठाकुर दास जो थे वो क्लियर थे कि भाई मैं तो फाइनेंस गए हूँ, मैं पैसा देखता हूँ, वो क्लियर, ही वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। मोती महल इन दरियागंज स्टार्टेड बाय दीज टू कुंदन्स, जिसमें ये भी थे मगो साहब भी थे, लेकिन मगो साहब थोड़े जल्दी छोड़ के चले गए थे। खैर, तो ये अब तक तो कहानी क्लियर है भाई कि देखो ये दो हैं। अगर अगर बटर चिकन के बारे में कहानी जाननी है तो ऑफकोर्स वीर सांगवी भरे पड़े हैं, तो वीर सांगवी ने बहुत बातें की हैं इसके ऊपर, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं इसके ऊपर, तो वीर सांगवी को ऑफकोर्स आप पढ़ सकते हैं स्पाइसी कहानी बटर चिकन भाई। I do remember his articles and he really writes well on this topic and other topics related to food. But ये बड़ा आप controversy पे तो आइए, मतलब हम controversy की वेट कर रहे हैं। अरे तो माहौल बना रहे माहौल बना controversy ये है कि ऐसे एक बार वो गाना आया था ना, Will the real Slim Shady please stand up, please stand up, तो ऐसे ही कहानी यहाँ भी है। यहाँ पर वही हाल है कि Will the real Kundan Lal please stand up। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा तो इसलिए हम इनको लास्ट नाम से बुलाएंगे, गुजराल एंड जग्गी, ठीक है, बिल्कुल, ताकि कोई कुंदन लाल कंफ्यूजन रहे। अब गुजराल एंड जग्गी की फैमिली दोनों क्लेम करते हैं कि बटर चिकन हमारे वाले कुंदन लाल ने बनाया, ठीक है। ये कंफ्यूजन जो काफी हद तक था मोती महल, जो मोहनीश गुजराल जो गुजराल फैमिली के थे, वंशज चला रहे आज को, तब तक तो ठीक ठाक चला था। कंफ्यूजन को ऐड करने के लिए दुकान खुल गई, नई रेस्टोरेंट खुल गया दरियागंज नाम से एरो सिटी में। अब यहां से कंफ्यूजन चालू कर दिया गया। जस्ट टू पॉज, दरियागंज जगह भी है दिल्ली में जहां पे ओरिजिनल मोती महल रेस्टोरेंट है, और दरियागंज एक और रेस्टोरेंट का नाम भी है। करेक्ट, इट्स अ चेन रेस्टोरेंट, तो दो से तीन रेस्टोरेंट तो मेरे ख्याल से हैं कम से कम, ज्यादा ही शायद खोल गए। लास्ट टाइम आई रिमेंबर उनका प्लान था कि बढ़ाना है उसको आगे, अपना एम्पायर जो है खड़ा करना है। खैर, तो नाउ द अदर मोती महल, ऑल दी अदर मोती महल जो हम जानते हैं, रन बाय मोहनीश गुजराल, हु ओन्स ओवर 200 चेन्स अक्रॉस द ग्लोब बाय द वे, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी नो दैट दिस डिश बाय चांस, इसमें कहानी ये हुई थी, वी कंट्रोवर्सी पे आते, कहानी ये हुई कि ये जो डिश है ये बाय चांस बन गई। बाय चांस क्या हुआ, दो तीन इसके पीछे कहानी होती है, बट लार्जली वी अग्री कि ग्रुप ऑफ पीपल आए थे। अब उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि पंजाबी रेफ्यूजी आए थे, कुछ लोग बोलते हैं बड़े बाबू आए थे, कुछ लोग बोलते हैं अंग्रेज आए थे, ठीक है। तो खैर, ग्रुप ऑफ पीपल दे शोड अप एट अ रेस्टोरेंट जो ये था मोती महल दरियागंज वाला, वहां पे उसके बाहर पे, तो इतना बड़ा तो नहीं था पहले, छोटा सा, तो वहां पे आ गए। दे वर लाइक खाना दो। नाउ देयर वाज वेरी लिटिल फूड टू सर्व ऑल दीज गाइस। नाउ कुंदन लाल, ठीक है, एडर कुंदन लाल जो है, उन्होंने क्या किया कि ठीक है एक काम करते हैं, आई विल फीड एवरीबडी, पंजाबियत है जो उसको बोलते हैं, पंजाबियत की बिना खिलाए तो जाने देंगे नहीं। तो उनके यहाँ जो चिकन था वो ड्राई अप हो रहा था, जैसे कि अच्छा अब ये ड्राई चिकन हो रहा है, इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इनको सर्व भी करना है। तो देन दैट्स व्हाट ही डिड, ही सॉर्ट ऑफ कट दोस चिकन, जो तंदूरी चिकन जो बनाते थे, जो पॉपुलर था मोती महल का पेशावर में, तो उनको उन्होंने काटा वाटा, छोटे छोटे पीस, नन्हे पीस किए इसके, एंड देन ग्रेवी में जिसमें कि क्रीम था, थोड़ा टमेटो था, घी वी डाल के मस्त बटर शटर मार के सर्व कर दिया, एंड देन हेंस इट बिकेम बटर चिकन, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल, उनको ये इतना पसंद आया कि बार बार घूम फिर के ये यही आ जाते कि भाई ये वो वाला चिकन बड़ा मजेदार था, प्लीज दे दो, एंड हेंस दिस तंदूरी चिकन वाला बटर चिकन बिकेम रियली पॉपुलर। नाउ आई डोंट वांट टू डिस्कस हु वाज द रियल कुंदन लाल, ओके, एज पर द फैमिली मेंबर्स देयर वाज अ रियल वन, मतलब गुजराल बोलते हैं हमारा अच्छा था, हमारे वाले ओरिजिनल थे, और जग्गी बोलते हैं हमारे ओरिजिनल थे, बट एसेंशियली द फैमिली मेंबर देयर रियल हु नॉट ओनली इन्वेंटेड बटर चिकन बट तंदूरी चिकन, बिकॉज आई रिमेंबर तंदूर यूज ओनली टू मेक ब्रेड एंड नॉट टू प्रिपेयर एनी नॉनवेज आइटम, लेकिन इनके तंदूर में चिकन भी लगता था, जो कि इन्होंने ही पॉपुलर करवाया था पेशावर में। तो ये तो थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा गुत्थम गुत्था वाली कहानी है इनकी बेसिकली। गुत्थम गुत्था, I love the sound of that.
And I also remember you told me that these two Kundan Lals met at a theka, and theka, for those who don't know, is what we call an alcohol shop in North India. Correct. Yeah. तो ये कहानी जो है यही तो confusion create हुआ ना कि जो दरियागंज में हो गया, कब नया दरियागंज खुल गया है तो एक फैमिली वहां आ गई है, एक तो जो गुजराल की फैमिली चली थी. खैर तो आई वॉज सिटिंग विद वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दरियागंज रेस्टोरेंट, ठीक है, दरियागंज रेस्टोरेंट जिसको बाद भी हमने क्लैरिफाई पहले कर लिया, एल सिटी में वहां बैठा था, बातचीत हमारी चल रही थी. देन द ओनर सेज कि अरे आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ मैं. मैंने बोला बताइए. तो कहानी ये हुई कि ये जो पार्टीशन हो गया तो अब किसी को किसी की खोज खबर नहीं है, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, काफी लोग पुरानी दिल्ली के पास शिफ्ट हो गए थे, रिफ्यूजी कैंप वहां पे थे. तो एक बार ही काफी दिनों बाद एक्चुअली आफ्टर द पार्टीशन ये तीनों लोग जो है ना, लक बाई चांस को बोलते, मतलब हर साइड से ये बाई चांस था, ये मिले एक ठेके, दादू के ठेके के बाहर लाइन में खड़े हुए थे. तो जग्गी कुंदनलाल, जग्गी कुंदनलाल गुजराल और ये मगो साहब, तीनों एक ही लाइन में खड़े थे. And then they're like, oh, tiri, oprah, oprah, kare, kare, baat cheez hui hogi, jappi wappi pa liya. And then they were like, dude, what is this? Ek to khushi ki baat ye hai that we all three are meeting after such a long time. Kyunki hame to pata hi tha, hum zinda bachenge ya nahi bachenge. Now we have survived. To dekho aisa hai ki kuch to karte hain. Kya kehte, kya kehte, kya kehte. So they were like, ki ek kaam karte hain. Hum tino ne moti mahal wahan pe kaafi popular kiya tha. Hum tino ki yahi ek art hai basically. जो आता है तो क्यों ना हम उसी आर्ट को रिक्रिएट करें यहाँ पर भी. खाने वाले तो यहाँ भी वैसे ही, जो वहां है वह यहाँ है, ठीक है. उस टाइम पर तो उतनी जंगे नहीं हुई थी, उस टाइम पर भी तो मतलब ऐसा कुछ ज्यादा कंट्रोवर्सी अनलाइक नाउ जैसा हो रखा है वो था नहीं. तो वह ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हमें जो आता है हम अपने काम को वापस से स्टार्ट करते हैं दिल्ली में, दरियागंज में. तो मोखा सिंह, एज आई मेंशन ओरिजिनल वाले, उनसे इन्होंने आशीर्वाद लिया, तब तक वो जिंदा थे, आशीर्वाद लिया कि भाई हम तो मोती महल चालू कर दें. और ऐसे करके ठेके के बाहर इन्होंने डिसाइड कर लिया, स्टार्टअप का प्लान वहीं लगा दिया उन्होंने कि भाई देखो जैसे बैंगलोर में लाइनों में लग के ट्रैफिक की लाइन में खड़े होते लोग कि चलो स्टार्टअप स्टार्टअप खेलते हैं, यहाँ पे इन्होंने दादू के ठेके के बाहर उन्होंने बोला स्टार्टअप करेंगे. स्टार्टअप में बना हमारा फेवरेट बटर चिकन. बहुत बढ़िया. तो मतलब चिकन और शराब का पुराना नाता है, मतलब पंजाबियों को तो दो ही चीज चाहिए, एक पेग से दूसरा लेग. and by leg I mean chicken ka leg, before anyone gets any dirty ideas. Of course, aapne to poetry mein to kuch bola hi nahi apna, to aise leg back karke kuch. Sahi. Aur ye coming back to Moti Mahal, you know, the Kundan Lal story that you just told us is fascinating. I mean, butter chicken at Moti Mahal, you know, remains my favorite, but I'm going to discuss more on that later. Well, since you spoke about the historical origins of the dish, I think one idea that we need to be very careful of while thinking about how any particular thing came into existence is this thing called the great man theory. And this idea was actually popularized by a famous writer, famous author, Matt Ridley. And I really recommend his books, by the way. Anyway, so kya hai ye great man theory? Let's discuss this briefly. Bilkul, bataiye. Sabko pata hai ki jo light bulb hai, वो थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था, पता है ना सर? बिल्कुल, मतलब बचपन में पढ़ा था हमने तो ये बात. श्योर, बट इन रियलिटी दिस लाइट बल्ब वाज एक्चुअली समथिंग दैट अ लॉट ऑफ इनोवेटर्स वर वर्किंग ऑन एट द सेम टाइम, बिल्कुल पैरेलल एडिसन जी के साथ. बट जो एडिसन जी ने बनाया था, दैट अक्वायर्ड द बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट एट द राइट टाइम, तो वो पॉपुलर हो गया. और नाउ अब हमें लगता है कि सिर्फ एडिसन ने ही इन्वेंट किया है, बट जो एडिसन है, he used all the techniques that those other innovators were also working on. तो great man theory says कि अगर एडिसन नहीं होता, तो light bulb invent ही नहीं होता. But technically, उन्होंने अकेले light bulb invent नहीं किया. बाकी सारे innovators जो parallel light bulb पे काम कर रहे थे, light bulb जैसे device पे काम कर रहे थे, उनकी भी contribution थी. तो you can't exactly trace it to Thomas Edison. This is called the simultaneous invention theory. Invention theory means कि बहुत सारे लोग एक चीज पे साथ में काम कर रहे थे, पर वो eventually एक बंदा की version popular हो गई. अब आप सोच रहे होंगे, एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट सोचने से पहले, तो मतलब ये essentially bulb का connection, I am thinking अब ये जो corona vaccine से बन रहा है, ऐसा कुछ है क्या? Corona vaccine में भी हजार लोग लगे पड़े, अपना अपना एक एक version निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ? Same theory, simultaneous innovation theory.
Slightly different. Achha. I mean, coronavirus ke baare mein to there's lots of information. I don't want to get into it. Matlab usse bhook mil jayegi. Itna hi zehreela topic hai coronavirus. So nahi matlab vaccine. Jis vaccine nikal rahe na sab log. Alag alag country apne vaccine nikal rahi hai. Alag alag countries apne vaccine nikal rahi hai. True. But that is slightly different from the great man theory. Achha. वो तब देखेंगे जब वैक्सीन आएगा तब maybe it is valid, maybe it is not. But I mean, great man theory is fine, but why the important part is how it is related to butter chicken and how it is related to the story that you just told us. That is the most important part. So, ये important है, ये connection between butter chicken and great man theory important है, क्योंकि we must know that one item might have been invented by multiple people at the same time, but only one person's version becomes famous and popular and he or she takes the credit for it. So even though correct. These stories about Kundan Lal's help promote nostalgia about the dish, help they form fantastic stories, fantastic narratives, but it's unlikely that kisi aur ne chicken ko smoke karke usme cream, tomato, ghee na dalo. Aise ho nahi sakta ki, I mean, this all these ingredients are very common to Punjab. So it's unlikely that inhone invent kiya, inki version पॉपुलर हो गई और उनकी वजह से ये सब रेस्टोरेंट्स में आए. एंड आई एक्चुअली डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स अ रेस्टोरेंट, यू नो आई लव मोतीमहल दरियागंज मोर देन एनीवन एल्स. वो तो हमें मालूम चली है अभी तक. इनफैक्ट मोतीमहल ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन इंडियन रेस्टोरेंटिंग. बिफोर मोतीमहल द सब कॉन्टिनेंट एक्चुअली हैड वेरी फ्यू रेस्टोरेंट्स वेयर मिडिल क्लास इंडियंस और टूरिस्ट कुड एंजॉय एंड अफोर्ड clean and good Indian food outside their homes. मतलब कुछ hotels थे, कुछ restaurants थे, but वो mostly you know western खाना serve करते थे, जिसको हम आजकल continental food भी कहते हैं. वो वैसा खाना serve करते थे, Indian खाना serve नहीं करते थे. Indian खाना किसी को खाना हो तो आपको ढाबा जाना पड़ता था, या north India में, south India में tiffin rooms होते थे, वहाँ जाना पड़ता था. और ढाबे limited होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे. और you know ढाबे like right now weren't very hygienic. ऐसे रेस्टोरेंट जैसा कुछ इतना कुछ था नहीं उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के बाद. और कुक्स की जो सैलरीज होती थी वो भी बहुत ही कम होती थी. तो लोग अगर घर पे मेहमान आए तो लोग बावर्ची को घर ही बुलाते थे कि आप घर आके खाना बना दो, या फिर खुद ही बना लेते थे इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट. और अभी जैसे नहीं कि आप बस कोई आए तो आप अपने फोन खोलें और स्विगी और जोमैटो से कुछ ऑर्डर कर दें, ऐसा तो कुछ था नहीं था. तब तो फोन भी नहीं था यार, तब तो फोन तो था मतलब, लेकिन वैसा स्मार्टफोन नहीं था. एंड अनलाइक चाइना और फ्रांस जहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट कल्चर था, इंडिया में ऐसा कुछ रेस्टोरेंट कल्चर नहीं था. बट मोती महल दरियागंज एक्चुअली चेंज ऑल ऑफ दिस. सो मैसिव रिस्पेक्ट फॉर द प्लेस. एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, बटर चिकन के बारे में बात करते हुए इट्स इम्पॉसिबल टू नॉट टॉक अबाउट द तंदूर. तो टेल अस समथिंग अबाउट दिस डिवाइस नोन एज़ द तंदूर सर्विस. आई थिंक दैट्स मतलब व्हाट यू मेंशन ना, कि ये मोती महल ने काफी चीजें चेंज की थी उस जमाने में. वन ऑफ देम बीइंग व्हाट यू जस्ट मेंशनड, ऑफ कोर्स द फूड इनोवेशन व्हिच वी टॉक्ड अबाउट, एंड तंदूर. अब तंदूर I personally think the genius of a creation. Okay, genius, utter genius ta hai iske andar. Ab genius ta iske andar ye hai ki, of course, iske andar jo hai bread banta hai, meat banta hai, vegetable banta hai, sab kuch ban sakta hai. Aapne seedha skew kiya usko, matlab maan lo kebab ban raha hai, koi bhi, veg ya non-veg. And then seedhe stuff it in inside the tandoor, theek hai. Bread bhi lag jata hai inside the tandoor. Lekin jo upri satah hai, which is also equally hot, not equally, मतलब कंपेरेटिवली हॉट, तो उस पे भी काफी सारी चीजें मैंने देखी है बनते हुए उसके ऊपर, कि लोगों ने ना क्या किया कि काम करते यार इसके ऊपर थोड़ा घी लगा लो, या फिर घी पिघला लिया उसके ऊपर, या फिर खाना पका लिया उसके ऊपर. तो और तरकारी जिसको बोलते हैं करी बेसिकली, वो भी उसके ऊपर, तो गर्म इतना होता है वो, तो उसके ऊपर पक जाता है. इनफैक्ट आ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज बटर चिकन एवरीवेयर, एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो सेट रेसिपी ऑफ इट. तो अब इस तंदूर से निकले हुए बटर चिकन की एक सेट रेसिपी है नहीं. Delhi has very different recipes, right? Punjab ki jo recipe hai, wo bahut hi alag hai Bombay ki recipe se. Punjab, Bombay to kafi dur ki baat hai. Rajouri Garden ki recipe aur Housecast ki recipe, jo ki kareeb 30 minutes ya 40 minutes ki duri pe hogi,
इनकी ही रेसिपी जो है काफी अलग अलग टाइप की है, लेकिन वन थिंग विच इज व्हाट मेक्स द अमेजिंग बटर चिकन इज दैट स्मोकीनेस जो कि तंदूर देता है. तो चिकन टिक्का गया तंदूर के अंदर और उस कोयले ने दिया उसको एक ब्यूटीफुल स्मोकी फ्लेवर एंड देन यू गेट दिस अमेजिंग बटर चिकन. बट डोंट फॉरगेट कि रिफ्यूजीज बेसिकली दिस तंदूर, अगर हम वापस से मुद्दे पे आए, तंदूर ब्रॉट बाय टू आवर साइड बाय द रिफ्यूजीज. इनफैक्ट ये भाई साहब लोग गुजरात से लेके आए थे. हाउएवर बाय द लेट 1950s तंदूरी चिकन अराइव टू कलकत्ता एंड बॉम्बे बाय 1960s. ओके 1960 के आसपास स्टेपल हो चुका था कि सब लोग इसको सर्व करते थे. और 1970s तक तो मतलब इंडियन रेस्टोरेंट में तंदूर का इस्तेमाल ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. इनफैक्ट अभी भी काफी सारे रेस्टोरेंट में जो कि नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है अक्रॉस द ग्लोब, वहां पर तंदूर ना हो ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है. अब नाउ ऑफकोर्स दीज तंदूर आर यूज फॉर मेनी थिंग्स, राइट, सीख कबाब हो गया, तंदूरी चिकन हो गया, नान हो गया, इंक्लूडिंग तंदूरी पाइनएप्पल, विच आई लव बाय द वे. नॉट एवरीवन लव्स पाइनएप्पल. I love pineapple and the apple. In fact, I think India mein aake people like Gordon Ramsay and Heston Blumenthal, etc., kafi nami grami jo chefs hain, Michelin star chefs hain, they have also tried their hands on this really humble and beautiful tandoor. To tandoor to kafi legendary hai. उससे याद आया सदफ, वो गाना भी तो है हिमेश का तंदूर पे, वो लेजेंडरी सॉन्ग, यू रिमेम्बर, तंदूरी नाइट्स. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. उसमें आई थिंक एक और गाना है, उसमें हाँ. एक और बहुत ही घटिया से गाना है, इसमें आइसक्रीम खाऊंगा आइसक्रीम खाऊंगी शिमला से कुछ कश्मीर जाऊंगी कशा शोलों में बढ़ के जिया. That this one, ये काफी घटिया घटिया गाना थे. घटिया गाना की बात नहीं करते, वापस आते हैं. Let's come back to तंदूर. तंदूर के वापस आते हैं. अच्छा, तो now I was saying कि तंदूर की स्पेशलिटी क्या है. People have kinds of people like you know even like फिरंगी मिशलिन स्टार शेफ्स have also used our तंदूर. और हमारा तंदूर जो है हमारा मतलब of course हमारा ही है. Often इसमें नॉन वेज डिश भी पकते हैं, वेजिटेरियन डिश भी पकते हैं, कबाब पकते हैं, लेकिन एसोसिएट किया जाता है इसको काफी मुस्लिम डिशेज से कि भाई मुस्लिम और मुगल ही लेके आए हैं इसको. ऑफकोर्स मतलब हमारी हिस्ट्री तो काफी लिमिटेड है तो हम बोलते हैं अच्छा मुस्लिम मुगल ही लेके आए, विच इज नॉट ट्रू बाय द वे, कि बहुत ही बेसलेस है ये. मल्टीपल रीजंस के पीछे. पहला कि चिकन टिक्का बना था पंजाब पेशावर में, ठीक है, तो ये तो उतना ही है. उसके बाद हाउएवर जो तंदूर जो हमारा तंदूर है जिसको हम यूज करते हैं दैट इज आवर्स. ओके सिमिलर काइंड ऑफ अवन हैव बीन पॉपुलर इन सेंट्रल एशिया. तो सेंट्रल एशिया पॉपुलर था, अफगानिस्तान अदर कंट्रीज में है काफी सदियों से है. इंक्लूडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने एक दे हैव फाउंड अर्ली तंदूर इन एक्सकवेशन ऑफ इंडस वैली साइट्स जहां पर कि उनको ये मिला है. इनफैक्ट एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें था कि क्ले ओवन्स एंड चिकन बोन्स विद चार मार्क्स डेटेड 3000 BC एंड आर सेड टू हैव बीन अनअर्थड एट द एक्सकवेशन साइट्स. तो चिकन चार मार्क और क्ले ओवन, तो ये लोग भी तो पक्का चिकन टिक्का ही बना रहे होंगे. तो बेसिकली तंदूर इज एसेंशियली not a Muslim cooking apparatus, so it won't be it accurate to call it all of that. No. In fact, we think Muslims brought kebab as well, right? So chicken tikka essentially is kebab, right? One kind of kebab. But that's also like people saying, say, what is it? Muslims kebab leke aaye, but also again far from truth, right? Again, Veer Sanghvi ko main wapas se baat karu, to Veer Sanghvi ne ek article likha tha ke upar, where he talked about it how. This is not really true, and he talked about Chandragupta Maurya that kebabs or these kind of dishes, skewer me, grill me. It's since forever again since Chandragupta Maurya time pe unhone likha tha. Mughals and others jo aaye the yahan pe, of course, they must have given it their own twist of taste, या फिर खुद की technique लगा दी, spices डाल दिया, different किस्म के उसमें birds या animals का इस्तेमाल start हो गया. कबाब को फाइन ट्यून किया गया तो कुछ सॉफ्ट हो गए, कुछ हार्ड हो गए, कुछ हार्श हो गए, इस तरीके का उन्होंने अलग अलग तरीके से किया.
अलग अलग वर्जन लाए, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारे पास कबाब था ही नहीं. मतलब essentially, कबाब क्या है, डेफिनेशन वाइज तो ग्रिल मीट है ना. तो उस तरीके से कबाब भी इन अ वे हिंदुस्तानी है. द तंदूर, और पंजाबी बोलते हैं द तनूर. तो तनूर हाउएवर पॉपुलर हिस्ट्री फाइंड्स ओरिजिन अफगानिस्तान. एक तनूर है जिसका अफगानिस्तान में इसकी हिस्ट्री मिलती है. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मोस्टली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बिफोर पार्टीशन बाय द वे. सो तंदूरी फूड इज अ बिग पार्ट ऑफ इंडियन फूड कल्चर. एंड जिसे पाकिस्तान में बोलते हैं बाबेक्यू, हर एक चीज उनको वहाँ बाबेक्यू बोलते हैं. हमारा ये बाबेक्यू है, ऑस्ट्रेलिया का बाबेक्यू है, तो ये हमारा बाबेक्यू है बेसिकली, देसी बाबेक्यू. बट वी कांट सी मेली तंदूर, दैट वी हैव टू थिंक एज फ्लेवर एनहांसर, राइट. ये हमारा जो है बिकॉज ऑफ कोल, जो मैंने पहले मेंशन किया कि जो चारकोल का स्मोक है वो जैसे ही मीट के अंदर घुसता है, मीट या वेजिटेबल किसी के अंदर, क्या फ्लेवर देता है यार. मतलब जो कि वो आजकल जिसमें इलेक्ट्रिक ओवन है या फिर बाकी जो तामझाम इलेक्ट्रिक टाइप की चिमनी टाइप होते हैं उसमें नहीं मिल पाता. इनफैक्ट तंदूर धीरे धीरे जो है ना वो कोयले से इलेक्ट्रिक की तरफ आ रहा है, वो वाला मजा जो है ना मिसिंग है बेसिकली. एंड जो मतलब असली तंदूर का कोयले वाला वो मिसिंग हो जाता है. तो आजकल वो फ्लेवर रहते नहीं. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई बुखारा रेस्टोरेंट फेमस, सबको पता है दाल बुखारा वाले जो फेमस रेस्टोरेंट उनके यहाँ. इफ यू विल गो, जिस तरीके से उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट के जो शेफ्स है ना, द वे दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ तंदूरी कुकिंग. तंदूरी कुकिंग एक टाइप का एक मतलब बहुत ही पेचीदा कुकिंग की टेक्निक है जो हिंदुस्तान ने दी है दुनिया को. उसको वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब तंदूर तक पहुंचने के लिए लोगों को कितनी जद्दोजहद, कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक तंदूर हमारा है बहुत ज्यादा ही, मतलब देसी है, बिल्कुल देसी. Absolutely. Understanding to when and where the first tandoor was used actually. So ovens which resemble tandoors, tandoor jaise oven, to Harappan settlements mein paaye gaye the. Matlab there are some remains which archaeologists have found. But there is, as you mentioned, Afghanistan mein pre-Harappan times se, matlab kareeban 4,000 to 5,000 saal pehle, agar meri maths weak nahi hai, jo hai waise math weak, but bahut bahut time pehle, even before a lot of religions were even started. And these were obviously not just used to make vegetables or meat, they were mainly used to make breads. So yeah, that's about tandoors. And there's one more reason why tandoors actually became popular. So tandoors, unlike, you know, a barbecue, as you mentioned, tandoor ko hum barbecue bhi kehte hain, desi barbecue. So unlike a barbecue or an open fire, which is also an ancient way of cooking, tandoor ko underground dal sakte hain hum. To ek opening hoti hai top pe, aur baki tandoor bilkul zameen ke niche hota hai. So usse kya fayda hota hai ki it hides the fire jab cooking is going on. To agar koi dur se, matlab दूर से कोई आ रहा है और आप अपना खाना पका रहे हो तंदूर में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट यू. सो एंड दैट्स अ रीजन व्हाई एंशिएंट मिलिट्री मैन एक्चुअली यूज्ड इट ड्यूरिंग वॉर टाइम्स टू अवॉइड डिटेक्शन बाय देयर एनिमीज. कि अगर मतलब आर्मीज नीड टू बी फेड ऑफ कोर्स, सो वो रात को अपना खाना तंदूर में पका लेते थे और उनके दुश्मन दूर से उनको देख नहीं पाते थे. सो दैट्स व्हाई तंदूर वाज प्रेफर्ड ओवर अदर कुकिंग डिवाइसेस. And tandoor is actually also more fuel efficient than other forms of cooking. Ek bar, you know, light up kar diya tandoor, so you can cook in it for a long period of time. Yeah, of course. And you know, Sanja Chulas, jo community tandoors hain, they are still pretty common in Punjab. Of course, that, I mean, who can forget that? But I think, so that's why I said ki jo tandoor ka jo main masla hai na, ki jo tandoor hamara hai versus pit cooking which you are talking about, like gadha karke khana banana, jo ki lashkar, which is military, right? Unka hai, I think, and hence I said ki tandoor, matlab jange to hamare yahan bhi kaafi hui hai. तो ये गड्ढा में करके बनाने का तरीका जो है हमने तो काफी सदियों से मेरे ख्याल सीखा होगा. थोड़ा मैथ करना वहां पे लगाना, तो मैथ्स और ज्योग्राफी नहीं, रहने दीजिए, मैथ रहने दीजिए.
Coming back to butter chicken, tell us more saucy and creamy details about butter chicken. I mean, I've heard of chicken tikka masala spoken of in the same breath as butter chicken. I mean, chicken tikka masala is, and the British have actually claimed chicken tikka masala to be theirs. This is, chicken tikka masala is an Indian dish, man. I mean, why the hell are the Brits calling it theirs? I mean, पहले इन्होंने कोहिनूर लिया, अब हमारा बटर चिकन ले रहे हैं, हद हो गई है। So just to correct you there, it's not chicken tikka masala, it is chicken tikka masala. You have to come with like an accent, chicken tikka masala. तो ये जो चिकन टिक्का मसाला है, हाँ इस पे काफी पता है कंट्रोवर्सी है, काफी कंफ्यूजन है कि भाई आखिर ये है क्या चिकन टिक्का मसाला। इफ यू गूगल सर्च ना, ऐसे बटर चिकन लिखोगे तो चिकन टिक्का मसाला निकलता है, चिकन टिक्का मसाला लिखोगे तो बटर चिकन निकलता है। ये काफी सब कुछ तो माजरा है, लेकिन बटर चिकन इज लॉट मोर क्रीमियर देन चिकन टिक्का। क्यों है नहीं है वो तो खैर बात करते हैं। तो जो essentially टोन डाउन करने के लिए जो चिकन टिक्का का, जो चिकन टिक्का बेसिकली जिसकी हमने पहले बात कर ली है, जो तंदूर निकलता है, ठीक है, उसको टोन डाउन करने के लिए, उसका स्पाइसीनेस लेवल, उसकी हीटनेस को कम करने के लिए बांग्लादेशी शेफ थे जिनका हुआ बाय द वे शेफ इन पाकिस्तान रेस्टोरेंट स्कॉटलैंड। तो इमेजिन लाइक चिकन टिक्का हिंदुस्तानी बींग कुक्ड बाय अ बांग्लादेश शेफ एट अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन स्कॉटलैंड। पूरा ग्लोबल है। तो ये एसेंशियली ये था, ठीक है, आइडिया ये है कि चिकन टिक्का का स्पाइसीनेस कम करना था, तो ये कहानी। अब लेकिन इसके पीछे जो है दो किस्से हैं, हर एक कहानी के पीछे दो किस्से। तो फूड हिस्टोरियन है एक कोलन एंड पीटर ग्रोव, दो लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में काफी लिखा भी है, काफी रिसर्च भी किया इसके ऊपर। दे वर मोस्ट सर्टेनली इन्वेंटेड, दे सेड कि दिस डिश वाज मोस्ट सर्टेनली इन्वेंटेड इन ब्रिटेन प्रोबेबली बाय बांग्लादेश शेफ। तो ये जो है उन्होंने कन्फर्म किया है। What they did, in depth उनकी जानकारी निकाली उन्होंने, and they said that these food points finger towards Mr. Balbir Singh Shahi, जो कि ऐसे बलबीर सिंह शाही चिकन मसाला बनाते हैं, ठीक है, और इनका जो ये रेसिपी है सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था 1961 in a book called Indian Cookery, तो इसलिए बोलते हैं कि ये इनका है। I mean, if we look at the partition के time का ही ये आसपास का दिखा रहा है कि उस time का, तो ये एक किस्सा है इसका। लेकिन जो दूसरी कहानी है, that is कि एक भाई साहब थे अली अहमद बोल के, अली अहमद असलम, ये असलम बटर चिकन वाले। तो अली नहीं, ये नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो अली अहमद असलम जो है वो ग्लासगो में थे, रेस्टोरेंट कॉल्ड शीश महल, काफी ऑथेंटिक स्कॉटिश करी हाउस एंड बेसिकली। लेकिन इनका जो ओरिजिन था, ये जो शेफ भाई साहब थे अली साहब, इनका ओरिजिन था पाकिस्तान का। अब किस्सा ये है कि ट्रू क्रिएटर ऑफ चिकन टिक्का मसाला ही वाज बेसिकली अली भाई साहब की, हमने यही तो बनाया। इट ऑल स्टार्टेड 1970s व्हेन मिस्टर अली हैड अ कस्टमर उनके वहीं पे स्कॉटलैंड में, एंड ही वाज लाइक भाई चिकन तो सूखा सूखा है, मतलब तो मजा नहीं आ रहा, इंग्लिश बोलोग आई एम श्योर, हिंदी में नहीं बोला होगा, तो उन्होंने मतलब इंग्लिश बोला होगा कि ये तो अच्छा अच्छा नए है, ये तो बहुत ही सूखा सूखा लग रहा है। तो अली साहब ने बहुत ही सेकंड बी ग्रेड हिंदी मूवीज देखी हैं रिसेंटली। लगान देखी नहीं, तुम हमारा झूठे का नीचे रहेगा। तो वैसे ये अच्छा नए है, इसको बहुत ड्राई लगता है, इसको तुम कुछ करो। तो हुआ ठीक है, कुछ करते हैं। तो अली साहब, नाउ कम द फनी पार्ट, आई ऑलवेज लव नरेटिंग दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। व्हेन अली साहब शेफ थे, व्हाट ही डिड कि उनका थोड़ा सा हाजमा ना गड़बड़ चला था, तो उनका टमेटो सूप पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि एक काम करो यार, टमेटो सूप इसमें डालो, इट विल मेक इट रियली नाइस एंड मॉइस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े टमेटो सूप, थोड़ा माल मसाला डाला उसके अंदर, चिकन टिक्का डाल दिया उसके अंदर, एंड देन सर्व्ड इट टू द कस्टमर। अब कस्टमर को ऑफकोर्स इतना वो पसंद आ गया कि वो भाई साहब बार 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 बिल्कुल अली साहब की जान ले ली कि अली साहब प्लीज वापस से बनाइए, अली साहब प्लीज वापस से हमें वही डिश दीजिए। तो ये तो शुक्र हो अली साहब का कि उनकी जो तबीयत खराब थी, उनके जो पेट खराब चला था, उसके चक्कर में चिकन टिक्का मसाला बन गया। तो अब ये एक फनी चीज ये है कि अगर इफ यू लुक एट द कोरिलेशन, तो अली साहब की कहानी में भी वही है कि इनके चिकन टिक्का ड्राई हुआ था, और हमारे कुंदन जो मोती महल कहानी वही है
कि इनका चिकन भी ड्राई हुआ था और इनको भी ज्यादा लोगों को खिलाना था। तो अब वही है कि यहाँ कुंदन लाल असली नहीं मिल रहा है, यहाँ बटर चिकन असली नहीं मिल रहा है। तो you know, you spoke about how this butter chicken has traveled globally. You mentioned chicken tikka masala, which is a cousin of butter chicken, has traveled globally. But you know, I have actually heard that former Soviet politician Nikita Khrushchev even carried butter chicken to Moscow. He loved it so much. क्यों लेके, मतलब why? मतलब उसको तो चला गया होगा। There is a good reason, and I have a hypothesis on why this dish became so popular in India. Or by the way, Nikita Khrushchev took this dish from, guess which restaurant? Modi Mahal. Absolutely, absolutely. कहाँ जाएगा? Yeah. So going back to Modi Mahal, I want to discuss why butter chicken became an institution in itself in India. मतलब आजकल हर restaurant में जाओ, North India, South India, East India, West India. अगर if they are serving any non-vegetarian food, तो they will have some kind of butter chicken. कुछ ना कुछ type का तो होगा ही उनके पास, चाहे वो authentic हो ना हो authentic, पर वो menu में item तो होगा ही। अब ये contemporary India में ऐसा दर्जा क्यों है butter chicken का? Let's explore that. So reintroduce किया जाए मोती महल को। वापस, let's bring मोती महल back. तो imagine you are in post-independence India. Now, as I mentioned, we don't have too many restaurants. ज़्यादा कुछ है नहीं बाहर जाके खाने के लिए when it comes to Indian cuisine. And इस माहौल में मोती महल pops up. Now, मोती महल, in fact, was a favorite of our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. And it is said that Kundanlal, one of the Kundanlals at least, even served Nehru in his car एक बार वो butter chicken खाने आए थे. Because Nehru was so fond of not just the dish, but also the place. And the place actually became a personal banquet for our first Prime Minister. Matlab, koi bhi foreign dignitary jo aata tha, usse Moti Mahal le jaake uski khatirdari kari jati thi. Not just with the food, but also kawaliyon ke saath. And the restaurant catered for many, many important events during that time. One of them is a state dinner with the visiting American First Lady, Jacqueline Kennedy. And it was also the place where the wedding reception of Nehru's grandson, Sanjay Gandhi, happened. So, matlab, ye kafi, matlab, creme de la creme yahan pe aata tha India ke. And pun not intended. In fact, ek bar, ek Indian official once told the Shah of Iran, who was visiting India, ki agar aap दिल्ली आए और मोती महल नहीं गए तो उसका मतलब आप उसका मतलब है कि आप जैसे आगरा गए और आपने ताजमहल नहीं देखा, इतनी पॉपुलैरिटी थी उस जगह की। वाह वाह वाह। तो ये पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते अगर आप सोचिए कि मोस्ट इंडियंस वुड रीड अबाउट मोती महल इन द न्यूज, कि वहां पे अगर ये सारे इंपॉर्टेंट लोग जा रहे हैं तो अखबार में तो आता ही होगा कि यू नो नेहरू जस्ट विजिटेड दिस, या संजय गांधी जस्ट had his reception there, तो वो जगह obviously बहुत popular हो गई होगी पूरे country में. And अब इतने celebrities तो थे नहीं उस time पे, और Nehru was India's one of India's top celebrities. He was not just popular, he was also considered very good looking and supposedly charming. मतलब मुझे तो नहीं पता, मैंने बात नहीं करी कभी, but supposedly he was charming. And of course it helped that he was the prime minister of the country, that to the first prime minister who helped us get independence. Now, what was Nehru's favorite restaurant? Moti Mahal yoga. What was the restaurant's most popular dish? Of course, butter chicken. Established kar liya humne to ye baat to. Absolutely. So, due to this, there was sort of this halo attached around the dish. Matlab, itni popular thi wo dish. To jo entrepreneurs the India mein, restaurateurs the India mein, unhone they eventually understood this and they actually started replicating this dish all throughout the country. And now, as we know, it's available literally in every corner. I actually went to Kerala last year, and Kerala has its own beautiful culinary tradition. But वहाँ पे भी restaurant में जाओ तो butter chicken menu item में था. आप पता नहीं, मैंने order नहीं किया कैसा था क्या था, but था तो. So in a way you can say that Nehru was an influencer marketer for butter chicken, and
तब तो ये कोई इंटेंशनल स्ट्रेटजी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कुंदन लाल ने नेहरू को हायर किया था और नेहरू को पे किया था कि भाई हमारे यहाँ रेस्टोरेंट प्रमोट कीजिए. बट नाउ एक्चुअली कंपनीज यूज दिस एज अ स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इनटू देयर मार्केट. सो इट्स फैसिनेटिंग. ये भी नेहरू साहब, उफ, मतलब अभी आजकल नेहरू साहब बहुत फैशन में चल रहे हैं फॉर मेनी मेनी रीजंस दैट वी डोंट वांट टू हाईलाइट. लेकिन अच्छा टेल आउट ऑफ बट टेल मी वन थिंग, व्हाई चिकन? मटन भी तो, मतलब क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि चिकन टिक्का बनता था वहां, मटन टिक्का भी बनता ही होगा उधर, तो व्हाई नॉट मटन बटर मसाला, व्हाई चिकन बटर मसाला? दैट्स या बटर चिकन, व्हाई नॉट बटर मसाला? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. ऑफ कोर्स मटन टिक्का बनता था वहां पे, बट there is a good reason why chicken became, the chicken dish became so famous and unlike the other meat dishes. So there are three reasons for this. The first is religious. Now chicken is not a sacred animal in any of the major religions. In fact, the British actually catalyzed or promoted the practice of eating chicken in India because beef or pork were unavailable because हिंदू लोग बीफ नहीं खाते और मुसलमान पोक नहीं खाते. एंड दीज आर द टू बिगेस्ट रिलीजन्स इन इंडिया. सेकंड रीजन इज रिलेटेड टू टेस्ट. और आप शेफ हैं तो आपको पता ही होगा चिकन का खुद का कुछ फ्लेवर नहीं होता, चिकन ब्लैंड होता है, अनलाइक यू नो मटन एंड अदर रेड मीट्स विच हैव अ लॉट ऑफ फ्लेवर ऑफ देमसेल्व्स. मतलब उनको आप, उनके साथ आपको ज्यादा ग्रेवी सर्व करने की जरूरत भी नहीं है, उनको उनका खुद का ही फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाता है. यू नीड टू एड टू मच to them. But chicken being bland is actually a good carrier for very rich flavorful gravies such as a creamy tomatoey gravy which butter chicken has. So that is the reason why chicken, that is one another reason why chicken became so popular unlike mutton for this dish. And third, I think, which is I think the most important reason, is the economic factor. Now chicken is the cheapest amongst most of these meats and it is widely available kyunki ye massive quantities mein isko breed kiya ja sakta hai. Aur kuch pichle 100 saal mein chicken has actually become the most eaten meat not just in India but all over the world. Aur iske jo origins hai chicken ke mass production ke, and the way and the kind of chicken we eat can be traced back to 1945. And oh, wow. This is not very this is a time which is very close to 1947 jab hamare ko independence mila tha. But the story actually is not Indian. The story starts in America. Aur ye badi hi dilchasp kahani hai Sadaf, you'll be fascinated. So The US Department of Agriculture in 1945, they actually launched a contest called Chickens of Tomorrow. Aur ye contest ka goal tha to breed better chickens for meat eating purposes. To unhone actually ek contest nikala aur ye contest ka jo winner tha, that winning chicken combined with technology like electric incubator or modern antibiotics actually led to the development of what is called broiler chicken, jo aajkal typically hum India mein khate hain. Aur ye broiler chicken ka ye fayda hai ki ye iska jo slaughter ka weight hai, matlab when it reaches enough weight to be slaughtered, is between 4 to 7 weeks. Matlab ye 4 se 7 hafte mein it becomes mature enough to be eaten. Unlike other versions of chicken, jaise desi murga ho gaya, which is also known as country chicken in India, which takes around say 20 weeks to make. So this broiler chicken actually changed the market in a drastic way, because chicken could be mass produced very quickly and very cheaply. So that is the reason why broilers are typically preferred in our country for most chicken dishes. True. I mean, I think हर जगह broiler ही टंगे जाते हैं आजकल तो. बिल्कुल. Hardly देसी दिखता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये हो गया बटर चिकन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और why it became so famous. And now हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस सब बात कर लिया. But अब हम बात करेंगे before we end about a segment called underrated and overrated, जिसमें सदफ आप मुझे बताओ
आपके मोस्ट ओवररेटेड और अंडररेटेड वर्जन ऑफ बटर चिकन क्या है, और अपना फेवरेट भी बताना प्लीज। अच्छा, मैं पहले ना फेवरेट स्टार्ट करूंगा, फिर अंडर देन ओवर जाऊंगा। ठीक है। फेवरेट आई थिंक हैज टू बी सदांश कोयला बटर चिकन, नॉट जस्ट बिकॉज सदांश कोयला इज माय फ्रेंड, बट अदरवाइज वेल सदांश कोयला बॉम्बे में है, कोयला बटर चिकन के नाम से काफी पॉपुलर है। इसलिए क्योंकि पर्सनली आई प्रेफर थिंग्स विच इज वेरी होमली। ठीक है, अब सदांश के जो बटर चिकन है उसमें दो तीन चीजें हैं। पहला, He is not claiming it to be authentic quote unquote dish. Okay, this is his version of butter chicken, जो हमने पहले डिस्कस किया कि राजौरी से लेके हौस खास तक में फ्लेवर्स अलग हो जाते हैं। What he has done is taken his version, added his own masalas and twists to still keep that authenticity. जो it's essentially the authenticity is what cream and जो tomato gravy है उसका रेशियो, ठीक है, उसके बीच का, दैट इज व्हाट गिव्स बटर चिकन द फ्लेवर। उसके एक परफेक्ट फ्लेवर, उसके पास एक परफेक्ट बैलेंस है, एंड सेकंड इज जो स्मोकी फ्लेवर होता है। सारांश का जो मेथड है इज रियली नाइस, द वे ही मेक्स इट। इफ ही गिव्स यू रेसिपी, यू कैन इजीली रेप्लिकेट दैट इन योर किचन। आपको चिकन को सिर्फ स्मोक करना है, वो कोयला अलग डाला और मस्त फ्लेवर आ गया, एंड देन यू कुक इट इन द ग्रेवी। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू बेस्ड ऑन Sanjay's recipe. So I think that's one of my absolute favorite butter chicken ever. So far. I'm very jealous of Saransh. मतलब उसके नाम पे एक butter chicken की dish बनी हुई है, Saransh butter chicken. वाह. नहीं नहीं, कोयला butter chicken. Oh, Saransh मतलब कोयला butter chicken. Yeah, that's what I meant. But इतना प्यार होना चाहिए किसी चीज़ से कि तुम्हारा नाम उससे attach हो जाए. तुमसे ज्यादा प्यार इसका। You have written a poem, this guy has done chicken. That reminds me, speaking of pyar with butter chicken, actually there was in July of this year, there was this man in Melbourne who was actually slapped with a fine of around kuch 90,000 because Melbourne mein lockdown tha because of coronavirus, and you're not allowed to leave your area. But this guy, to eat butter chicken, he drove 32 miles during a lockdown, and he knew ki fine lagega, he knew, but wo fir bhi usne 30 kilometer gaadi chalai to get butter chicken, and he was ready to pay the 90,000 bucks for it. So isse kehte hain pyar. So ye, this guy is in competition with Goila and I for somebody who loves butter chicken the most. ये क्या देसी भाई साहब थे? देसी भाई साहब थे? नहीं, बिल्कुल देसी भाई साहब थे। या कहते हैं प्यार। Anyway, I apologize for interrupting your list. नहीं, it's a good thing. Yeah. अच्छा, अब underrated and overrated. Underrated would be, तो एक तो ना बटर चिकन को कुछ लोग ग्रेवी का है तो उसको कुछ लोग उसे बन या पाव में डाल के बनाते हैं। मतलब यू स्टफ बेसिकली और लेट्स से कॉल इट लाइक अ समोसा थिंग, राइट? सो दे आर बटर चिकन समोसा व्हिच आई क्वाइट लाइक बिकॉज वो ड्राई नहीं होता है, इट्स नाइस एंड सॉसी इनसाइड। समोसा ही है या फिर पाव बोल लो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। आई हैव हैड दिस बटर चिकन पाव या बटर चिकन समोसा इन माय लाइफ, नॉट मेनी पीपल वुड लाइक इट, बट आई हैव हैड इट। दैट इज अंडररेटेड, आई थिंक पीपल शुड ट्राई दैट आउट। Overrated जो है ना, वो आजकल के जो देसी लोग, मतलब आजकल के मिलेनियल्स जो कर रहे हैं ना ये तामझाम, वो मुझे overrated लगता है, which essentially is coconut milk डाल दिया और बटर चिकन बना दिया हिपस्टर बटर चिकन के नाम पे, हिपस्टर बटर चिकन या फिर पनीर के साथ बना दिया, मतलब दैट बिकम्स अ बटर पनीर, बट यूसेज ऑफ लेट्स से फॉर एग्जांपल कोकोनट मिल्क एंड अदर थिंग। सो no, that, I mean, as a chef, I would say no to that because of many reasons. Because coconut, by the way, coconut milk in itself has a different flavor as compared to the cow milk or the buffalo milk. Coconut milk thick kar deta hai aapke gravy ko as compared to the other normal milk. So I think that butter chicken with all these random artificial milk na is a complete no-no. That's overrated. Yeah. What about you? What are your three picks? My favorite is not a mystery. My favorite is the butter chicken at Moti Mahal Daryaganj. Of course. So whenever I go there, I am transferred into just another time because the servers, they're serving the butter chicken. They're old,
but also very polite gentlemen, and they take their own sweet time to serve you. मतलब अगर आपने order किया तो आप you can think कि आप थोड़े बहुत you know अपना phone लेके जाना या कोई किताब लेके जाना क्योंकि थोड़ा time लगेगा वहाँ पे butter chicken आने में, butter chicken जो होता है it's truly worth it. It's absolutely A grade. Nothing beats it in my opinion. And I have eaten a lot of butter chicken in a lot of parts of the country. And also the important thing to note is that this Moti Mahal does not have any branch. तो जो Moti Mahal Deluxe वगैरह की branches हैं all over the world, those are not any more affiliated to this original Moti Mahal in Daryaganj. And yeah, I remember going there with my family bachpan se, and I still go and I take my friends with me, and mere jo dost hain wo sochte hain main bahut ajeeb hu, because my idea of a perfect evening in Delhi is to go out and eat butter chicken at Moti Mahal, which is not I mean the idea of going out for most people of who are in their 20s like I am. So mera mazak uda jata hai iske bare mein, but I don't care. I still love the place. Ishq hai. Yeah. So that's the favorite. And what about under and over? So overrated mein, I mean, you mentioned butter chicken pao. I can still live with butter chicken pao, butter chicken samosa, but what I absolutely despise is butter chicken pizza, butter chicken hot dog, butter chicken Maggi. I mean, chawal ke saath khana butter chicken is still fine, but butter chicken Maggi, come on, man. I mean, itni khoobsurat ye dish hai, aur aap usme Maggi dal rahe ho, which I think is the absolute lowest level of food that anybody can have, and that is my controversial opinion on Maggi. But yeah, it's I can't tolerate butter chicken in these forms. और second overrated तो मैं आपसे थोड़ी cheating करूँगा, आपसे थोड़ा copy paste करके डालूँगा जो ये आपने coconut milk वाला butter chicken बोला है. Even I'm not a fan of you only courses. Showed me that, I remember. Yes, you only yes, showed me. Yes, no, I know. And it's called butter chicken. I mean, the least you need to do is add butter to it and add chicken to it. उसके बिना butter chicken कैसे बन सकता है? आप you can't replace the dairy with coconut. And coconut is not even, I mean, native to most North Indian dishes. So it's just, it's so strange. कौन है ये लोग जो बनाते हैं? कहाँ से आते हैं? वो बाद में बात करेंगे. ऑफलाइन बातें करेंगे इसके बारे में. ठीक है. Finally, I think underrated, I think, is this place called Baba's Butter Chicken. Baba's Chicken, rather, which serves an excellent butter chicken. It's a relatively less known place. Apart from Ludhiana mein sab jante hain iske bare mein, Ludhiana mein bahut popular because it's a Ludhiana based joint, and now recently they've opened a branch in Gurgaon as well. To unka jo butter chicken hai wo zyada creamier hota hai regular butter chicken se, usme tomato kam hota hai, aur usme in fact there are onions also which add to the what is called the umami flavor of butter chicken. And I think you told me it has dahi as well. Yeah, it had mostly dahi, less of tomato, but mostly dahi, which is not the real version. Real, then again, quote unquote, real version of dahi. Jo at least jo Kundan Lal ne banaya tha, usme unhone dahi nahi thi. Ye Babe mein to ise bolte hain Ludhiana Babe. Haan, Babe mein jata hai, Babe da. Babe mein jata hai dahi, which is that's their version of butter chicken. Kya bata? I quite like that. Anyway, that's my favorite overrated and underrated. And so just before we end this show, Madhav, since you're the resident chef, do you want to leave our listeners with some tips on how to make good butter chicken at home? हाँ यार, इधर मतलब खाने पीने की बात कर ली, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दिया, मतलब टिप नहीं देंगे तो मतलब पॉडकास्ट में घुस के लोग जूते मारेंगे. एक तो टिप मैंने पहले दे दी, दैट्स यू नो यू इफ यू आर मेकिंग द होल बटर चिकन कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच घर पे, तो यूज कोयला. कोयला मिल जाता है इजीली, मार्केट में मिलता है. तो टू स्मोक, एक स्मोक का एक अलग फ्लेवर होता है. तंदूर के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, तो ऑफकोर्स बाई नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द बेनिफिट एंड देन द फ्लेवर दैट स्मोक एड्स टू योर डिशेस. तो एक तो ये है, सो लेट्स स्मोक द चिकन वाइल मैरिनेटिंग. और कुछ लोग क्या करते हैं, मैरिनेशन के बाद भी उसको
कुक होने के बाद हल्का स्मोक करते हैं, 2 से 4 मिनट, नॉट मोर देन दैट. तो एक तो ये, दूसरा जो है ऑन द पीस, लाइक बेसिकली ना कि कौन सा पीस चाहिए ले होता है टू मेक यमिलिशियस डिलिशियस बटर चिकन. तो एडवाइस नो फॉर चिकन ब्रेस्ट. ब्रेस्ट काफी जल्दी सूख जाता है, ड्राई रहता है. And you don't want a sukha wa chicken in your butter chicken. You want like a really nice juicy. And for that, you should use the chicken thighs. Yeah, chicken drums. Cool. But thighs, oh, that's so delicious. So, iska ek must sab bana chicken tikka. And then add that in your butter chicken gravy. You will get absolute amazing butter chicken with, of course, you do the ratio. Kahin kahin pe tomato or cream ka ratio dalte 80 or 20. Kahin dalte 70, 30. 60-40 is something which is an ideal situation, but 70-30 bhi chalta hai. So that's my, these are my 3 of my tips to make an amazing butter chicken. Fantastic. And I will also try these at home. Yes, thanks, Adam. And that's it from us today. Have a good day ahead. Hope you have amazing butter chicken day. Nice and smooth, creamy. And if you like this podcast, don't forget to check out other delicious podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are IVM Podcast on Twitter and Instagram. Reach out to us and tell us what else we should talk about. Follow us on Twitter. I am @bantofu and my co-host Sadaf is @HusainSadaf1. You can find us on Instagram as well. Okay, bye. Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. If you're not following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. I want to let you all know about two new shows that we've launched this week. The first one is Millennial Athlete, hosted by Tanvi and Shlok. Both of them are, you know, they spent their life playing badminton, and they know a lot of athletes, and they want to talk about the particular challenges that athletes face. Really, really great conversations. Do definitely check that out. The other show that I wanted to mention to you that we launched this week is Naan Kari. Naan Kari is a show about it's about food and the history of food and the economics around food and its consumption and all that kind of stuff. It's a really, really interesting conversation. It's hosted by Sadaf, he's an author chef and former MasterChef India finalist, and Archit, who is a researcher who writes on behavioral science and economics. Definitely, definitely worth checking out. Besides that, we had a great week as always, right? You know, great stuff on all the normal shows. Do check those out. But with that, let me get you back to your show. Whether you're an established sports person or a budding one, or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are two passionate pro badminton players talking policy, mindset and everything sport. So tune in to the Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit. बेटा, did you know 79% of all scientists in NASA are Indian only? देखो, इंडिया में टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास भरती है. Everyone is just enjoying free यार. आजकल के यंगस्टर्स are only interested in partying and enjoying. उनको देश की पड़ी ही नहीं है. बेटा, तुम बस शादी कर लो, उसके बाद तो you can enjoy life like anything. I will tell you what this country needs. This country needs 15 years of dictatorship. That is the only way to become a superpower. See the Chinese, how much they've progressed. सुनो, तुमने ये WhatsApp forward देखा? So what's common between all of these statements? They're all absolutely rubbish. Fake WhatsApp forwards that spread like wildfire. And statements that defy any logic. They are here to debunk them all. Way of family WhatsApp groups, worst nightmare. Where what happens when you read a book. Basically, we're just a bunch of guys who want to cut through the bullshit of everyone saying this, how it won't be true. So that the next time someone confidently squeezes out some WhatsApp or Twitter BS, you will look them dead in the eye and go, uncle, please sit. So join me, Joel. And me, Tushar. Every Mondays for a fresh new episode of Uncle, Please Sit.